हेलो स्टूडेंट्स, विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ए टॉपिक रिलेटेड टू आवर इंग्लिश रीडर, दैट इज द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर वाइल्ड इज द writer of this lesson. First of all, before discussing our lesson, I am providing you some essential knowledge about the author. Oscar Wilde, who was born on 16th October 1854, and he was an Irish writer and a poet. अर्थात प्रस्तुत लेसन के लेखक ओस्कर वाइल्ड, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 को हुआ था, वह एक आयरिश लेखक और कवि थे। He became one of London's most popular playwrights in early 1890s. It means कि early 1890s में वह लंदन के सबसे प्रसिद्ध नाटककार बन गए थे। Today he is remembered for his epigrams, his novels, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। वह आज भी अपने एपिग्राम और अपने प्रसिद्ध नॉवल डोरियन ग्रे के लिए जाने जाते हैं। वाइल्ड पेरेंट्स वर सक्सेसफुल एंग्लो आयरिश डबलिन इंटेलेक्चुअल। अर्थात ओस्कर वाइल्ड के माता पिता एंग्लो आयरिश डबलिन से संबंधित थे। ही रोट सोलोम 1891 इन फ्रेंच इन पेरिस, बट इट वॉज रिफ्यूज ए लाइसेंस फॉर इंग्लैंड। अर्थात उन्होंने इन कंट्रीज में भी रचना की, लेकिन रिफ्यूज ए लाइसेंस, जो लाइसेंस अनुमति न मिलने के कारण वो उसको रिफ्यूज कर दिया गया। इन 1897 इन प्रिजन, 1897 में जेल में, प्रिजन होता है जेल, डी प्रोफाउंड्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1905। इट मीन्स कि उन्होंने जेल में 1905 में डी प्रोफाउंड्स की रचना की। ही रोट हिज लास्ट बुक द बैलेड ऑफ रीडिंग गॉल 1898, ए लॉन्ग पोएम कमेंटरिंग द हार्स राइम्स ऑफ प्रिजन लाइफ। इट मीन्स कि जेल की जो जीवन होता है उसकी विवेचना करते हुए उन्होंने अंतिम पोयम लिखी, और अंत में वह 30 नवंबर 1900 में अपना जीवन पूरा कर गए। ये संक्षिप्त विवरण ओस्कर वाइल्ड, जो हैप्पी प्रिंस के राइटर्स हैं, उसके विषय में था। अब बच्चों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ के डिफिकल्ट वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड है रवि, मणिक रत्न, नेक्स्ट मिसनोमर, मिसनोमर मिथ्या नाम, नेक्स्ट सैफरेज, इट मीन्स नील मणि, प्रिज्यूम्ड अनुमान, कल्पना करना, फ्यूरी तीव्रता, लेडन धातु, पैराडाइज स्वर्ग, स्प्रिट्स भावनाएं। वी कम टू द टॉपिक। चिल्ड्रन, यू आर वॉचिंग ए स्केच। ये स्टैचू हैप्पी प्रिंस, जिनको हैप्पी कहा जाता है, बिकॉज ही नेवर सा मिजरीज इन हिज लाइफ,
हिज स्टैचू इज फुल ऑफ मैनी वैल्यूबल मैनी प्रीशियस रबी सैफरीज एंड हिज ऑल बॉडी इज कवर्ड विद गोल्डन सो वी कॉल्ड इट हैप्पी प्रिंस। द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज ओवरऑल एट द टॉप ऑफ सिटी। द प्रिंस शाह फ्रॉम दिस हाइट एवरी वन इन द सिटी। अब हम अपने विषय पर आते हैं। द स्टैच्यू जो आप देख रहे हैं, द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज पैलेस्ड ऑन ए टॉल पिलर। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि राजकुमार की प्रतिमा जो हैप्पी जिनको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था, टॉल पिलर, वो एक ऊंचे पिलर पर स्टैच्यू के रूप में स्थित थी। इट वाज कवर्ड विद गोल्ड लीव्स, जो सोने की पत्तियों से कवर ढके हुए थे। इट मीन्स कि हैप्पी प्रिंस का जो पूरा जो शरीर था स्टैचू का, वो गोल्डन पत्तियों से कवर था। इट हैड ए लार्ज रबी ऑन सोवर्ड्स हैंडल, सोवर्ड मीन्स तलवार, और जो उनके हाथ में तलवार थी उनके हैंडल में रबी माणिक रत्न लगा हुआ था। एंड टू प्रीशियस स्टोन्स इन हिज पैलेस ऑफ आइज, और आँखों के स्थान पर दो बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। द प्रिंस वॉज नोट ऑन लाइफ लेस, इट मीन्स कि लेखक बिल्कुल भी हमको लाइफ लेस निर्जीव नहीं लगते थे, अर्थात वो सजीव थे। ही वॉज वेरी सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ हिज पीपल्स, वह अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों की पीड़ाओं के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील। आगे, एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव ही लिव्ड इन हिज पैलेस, जब वे जीवित थे अपने महल में रहते थे, ही नेवर केम इन कॉन्टैक्ट विद द पुअर एंड द वीक, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बीमार किसी पीड़ित व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को नहीं देखा था। बट फ्रॉम द टॉल कॉलम, लेकिन अब इस ऊंचाई से जो आप देख रहे हैं, हिज स्टैचू वॉज एबल टू सी द मिजरी ऑफ द पुअर आर्टिशियन एंड राइटर्स, लेकिन अब वह जो गरीब आर्टिशियन जो कारीगर हैं, राइटर्स लेखक हैं, वो उन सबकी पीड़ाओं को, सबके दर्द को, सबके दुख को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ही सैड टीयर्स, वे आंसू बहा रहे हैं, बट कुड नॉट रश पर्सनली टू दियर हेल्प, लेकिन वह उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैच्यू। ही वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस, उनको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था बाय हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासियों के द्वारा। बट इट वॉज ए मिसनोमर, मिसनोमर होता है मिथ्या, झूठा, अर्थात लेकिन यह झूठ था। ही वॉज एक्चुअली वेरी अनहैप्पी एट हर्ट, वे दिल से, वे हृदय से बहुत दुखी थे। इट वॉज मेड ऑफ लीड, जो धातु का बना हुआ था, ए हार्ड मेटल, जो एक कठोर धातु होती है। बट इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड काइंड, लेकिन वह बहुत सॉफ्ट, मधुर, काइंड, दयालु थे। वन नाइट ए लिटिल स्वेलो बर्ड फ्लू ओवर द सिटी। बच्चों, एक रात स्वेलो, स्वेलो एक अबाबिल नाम का पक्षी होता है, जो चित्र में आप देख रहे हैं हैप्पी प्रिंस के साइड में ये जो चित्र बना हुआ है, इसको हम स्वेलो अबाबिल कह सकते हैं। हाँ जी, बर्ड फ्लू ओवर द सिटी, वह पक्षी शहर के ऊपर से उड़ रहा था, जा रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे टू इजिप्ट, इजिप्ट इट इज़ ए कंट्री नेम, मिस्र,
अर्थात वह अपने मिस्र देश की यात्रा में थे। वेयर द सन शोन ब्राइटली, जहाँ सूर्य तेजी से चमक रहे थे। हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दैट वार्म रीजन, उनके साथी उस गर्म स्थान पर पहले से ही जा चुके थे। ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह गए थे। कौन? अबाबील, जिसको स्वेलो नाम दिया है। ही नीडिड ए पैलेस टू स्पेंड द नाइट, उसको एक रात पास करने के लिए, एक रात व्यतीत करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। ही फाउंड द पैलेस, उन्हें स्थान मिला। बिटवीन द फीट ऑफ द प्रिंस सुटेबल फॉर हिम, अर्थात जो प्रिंस की जो स्टैचू थी उनके पैरों के बीच नीचे उन्हें स्थान मिला। एज ही सैट देयर, और जब वह वहाँ बैठ गए, ए बिग ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उनके ऊपर एक पानी की बड़ी बूंद आ गिरी। ही वंडर्ड, वंडर्ड आश्चर्य होना, सरप्राइज होना, उन्हें आश्चर्य हुआ। हाउ द ड्रॉप केम डाउन फ्रॉम द क्लाउडलेस क्लियर स्काई, अर्थात साफ आसमान है, कोई बादल नहीं है, फिर भी वर्षा की बूंद वो कहाँ से आई, कैसे आई, ये सोचकर को वो बड़ा आश्चर्यचकित थे। सून ए सेकेंड, और फिर दूसरी, एंड देन ए थर्ड ड्रॉप, और फिर तीसरी बूंद पानी की उनके ऊपर गिरी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा स्टैचू की ओर, एंड सा दैट द प्रिंस वाज वीपिंग, और उसने देखा कि राजकुमार रो रहे हैं, अर्थात जो स्टैचू बना हुआ था, वह जो मूर्ति जिसको कह सकते हैं हम, उसकी आंखों से पानी टपक रहा था। ही वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द प्रिंस, उन्हें राजकुमार की स्थिति पर बहुत दया आई। द प्रिंस एंड द स्वेलो बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे दोनों मित्र हो गए। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू डू हिज जॉब, राजकुमार ने अबाबील नाम के पक्षी से एक कार्य करने के लिए कहा। द जॉब वॉज टू हेल्प पुअर सी मिस्ट्रेस, अर्थात कार्य एक गरीब दर्जिन जो सिलाई का काम करती है उसको सी मिस्ट्रेस कहा जाता है। एथिन एंटायर जो पतली और थकी हुई है। सी वाज एम्ब्रॉयडिंग होता है कढ़ाई करना, फ्लावर्स ऑन ए रॉयल ग्राउंड, जो एक शाही ग्राउंड पर, शाही गाउन पर कढ़ाई का कार्य कर रही है। हर लिटिल बॉय वाज इल एंड थर्स्टी, उसका छोटा लड़का बीमार है, बीमार था और प्यासा था। ही वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंज, वह ऑरेंजेज संतरे के लिए की डिमांड कर रहा था। बट द पुअर मदर कुड नॉट, कुड गिव हिम ओनली राई वाटर, लेकिन वह केवल उसको नदी का पानी ही दे पा रही थी। ही वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था, रो रहा था। द प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू पिक आउट द रबी फ्रॉम हिज सावर्ट, अर्थात राजकुमार ने अपनी तलवार, उनकी तलवार के हत्थे में जो रबी नाम का जो रत्न जड़ा हुआ था उसको निकालने के लिए कहा, और उनको देने के लिए कहा कि वह उसे उस गरीब औरत को दे दे। द बर्ड वॉच इन ए फिक्स, पक्षी आश्चर्य में थे। ही वॉच टू रीच इजिप्ट सून, उसको शीघ्र मिस्र पहुंचना था। सेकेंडली ही वॉज एफ्रेड ऑफ लिटिल बॉयज, और वह दूसरे जो छोटे जो लड़के थे वो उनसे डरा हुआ था, भयभीत था। हु, जिन्होंने थ्रू स्टोन एट हिम, उस पर पत्थर फेंके थे। बट सीइंग द सैडनेस ऑफ द प्रिंस, लेकिन दुखी प्रिंस को देख करके ही एग्री टू डू सच एज ही डिजायर्ड, और वह उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। द स्वेलो पिक्ड द रबी आउट ऑफ द शोवर्ड, अबाबील ने तलवार से उस रत्न को निकाला। एंड फ्लू ओवर द टाउन, और शहर के ऊपर से उड़ गया। ही पासिड बाय द पैलेस एंड द चर्च, वह महल और चर्च के ऊपर से गए। ही पुट द रबी ऑन द टेबल, उसने उस रत्न को टेबल पर रखा। एंड फैन मिस वैसे तो पंखा होता, लेकिन फैन हवा करना, उसने अपने पंखों से उस बालक की हवा की। द बॉय फेल्ट कूल, लड़के ने अपने आप को
ठंडा महसूस किया एंड मच बेटर और अपने आप को अच्छा पाया। द बर्ड फेल्ट वार्म इन स्पाइट ऑफ सेवर कोल्ड। लेकिन जो पक्षी थे अबाबील वो गंभीर सर्दी से परेशान थे। द रीज़न वॉज दैट ही हैड डन ए गुड डीड। उसका कारण ये था कि उसने एक अच्छे कार्य को अंजाम दिया था, तो उसने एक अच्छा कार्य, एक नेक कार्य किया है। द बर्ड हैड ए बाथ इन द रिवर नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह पक्षी ने नदी में स्नान किया। ही विजिटेड ऑल द इम्पोर्टेंट पैलेसेस। उसने अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को देखा। ही वॉज एक्साइटेड टू थिंक। वह यह सोच करके बड़ा एक्साइटेड, बड़ा उत्सुक था दैट ही वुड बी फ्लाइंग टू इजिप्ट दैट नाइट, कि वह उस रात मिस्र की उड़ान भरेगा। बट द प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर वन नाइट मोर। लेकिन राजकुमार ने पक्षी से एक रात और उनके पास ठहरने की का निवेदन किया। एंड डू ए बिट ऑफ ए जॉब, और कार्य करने के लिए उसको एक रात के लिए उनकी सहायता करने के लिए बोला। ही वॉन्टेड टू हेल्प ए पुअर प्ले राइट। वे गरीब एक लेखक थे, प्ले राइट, हु वॉज अनेबल टू कम्प्लीट द प्ले, जो अपना प्ले पूरा नहीं कर पा रहे थे। द रीजन दैट वॉज ही टू पुअर टू बाई कोल टू कीप हिज रूम वार्म, जो अपने कमरे को गर्म रखने के लिए कोयला खरीदने में असमर्थ थे। देयर वॉज नो फायर इन हिज फायर पैलेस, उसके फायर पैलेस में कोई आग नहीं थी। द प्रिंस वॉन्टेड वन ऑफ द सेवरेज फ्रॉम हिज आईज सॉकेट। आई सॉकेट अर्थात जो उसकी आँख में जो एक सेवरेज नीलमणि लगी हुई थी, वह चाहते थे कि वह उससे एक लेकर के वो उस लेखक को दे दें। पुअर राइटर। द बर्ड एग्रीड विद ए हैवी हर्ट। हैवी हर्ट भारी मन से, अर्थात जो पक्षी थे वो दुखी मन से उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। ही फ्लू टू द राइटर्स स्मॉल रूम नॉइज लेसली। वह नॉइज लेसली बगैर शोर किए शांति से वह उनके कक्ष में गए। एंड पुट द स्टोन ऑन द फेडेड फ्लावर्स, और जो मुरझाए हुए जो वहाँ फेडेड फ्लावर्स थे उनके पास उसने रख दिया। द राइटर प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम अनुमान लगाना, लेखक ने अनुमान लगाया दैट इट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम सम एडमायरर ऑफ हिज प्ले, कि उनके जो नाटक है उनके कोई प्रशंसक उनको यह मदद के रूप में भेंट स्वरूप दे गए। द नेक्स्ट डे द बर्ड स्पेंट द डे एट द हार्बर। अगले दिन उसने वह दिन अपना हार्बर होता है बंदरगाह पर व्यतीत किया। वैन द मून रोज, जब चांद निकला हुआ था, ही वैन टू द प्रिंस, वो राजकुमार के पास गए टू से गुड बाय, उनको गुड बाय बोलने के लिए, उनको अलविदा बोलने के लिए। ही वॉज एफ्रेड ऑफ स्टेइंग ऑन फर्दर, अर्थात वह राजकुमार के पास और अधिक रुकने से डरे हुए थे। बिकॉज इट वॉज गेटिंग कोल्डर डे बाय डे, क्योंकि दिन प्रतिदिन ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। द प्रिंस हाउएवर अगेन प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू पुट ऑफ हिज डिपार्चर बाय वन डे। राजकुमार ने एक दिन के लिए और उन्हें अपना प्रस्थान रोकने का निवेदन किया। दिस टाइम ही वॉन्टेड टू हेल्प ए पुअर क्राइंग गर्ल, इस बार वह एक गरीब लड़की की सहायता करना चाहते थे। हुज मैच बॉक्स हैड फॉलन इनटू गटर, जिसका मैच बॉक्स होता है माचिस का जो पैकेट था वो गटर में जा गिरा। ही वॉन्टेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ हर फादर, वह उसे उसके पिता द्वारा जो मिलने वाली जो सजा थी उससे बचाना चाहते थे। ही हैड वन मोर सैफरीज टू गिव, उसके पास केवल एक सैफरीज, एक नीलमणि देने के लिए और थी। द बर्ड डेयर्ड नॉट टू लीव द बर्ड टोटली ब्लाइंड, इट मीन्स कि पक्षी का राजकुमार को बिल्कुल नेत्रहीन अंधा बनाने का साहस नहीं हुआ। बट ही कुड नॉट डिसओबे हिज फ्रेंड, लेकिन वह अपने मित्र को डिसओबे नहीं कर सकता था। ही कैरीड द ज्वेल टू द मैच गर्ल, और वह उस ज्वेल, उस रत्न को उस बेचारी गरीब लड़की को दे आए। शी रेन होम लाफिंगली, वह दौड़ती हुई हंसती हुई घर गई। सिंस द प्रिंस वॉज ब्लाइंड नाउ, अब राजकुमार बिल्कुल अंधे थे। द बर्ड डिसाइडेड टू स्टे नियर हिम फॉर एवर, और पक्षी ने निश्चय कर लिया कि वह अब हमेशा हमेशा के लिए राजकुमार के पास रहेंगे। ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर्स, वह राजकुमार के कंधे पर बैठते थे। एंड रिलेटेड स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, और विचित्र दूर देशों की जो कहानियाँ थी उनको सुनाते रहते थे। द प्रिंस रिमार्क द मिजरी,
ऑफ द पीपल वॉज ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। द प्रिंस रिमार्कड, और राजकुमार ने बताया, द मिजरी ऑफ द पीपल, लोगों का जो कष्ट है वह उनके लिए सबसे बड़ा रहस्य था, मिस्ट्री था। ही वॉन्टेड टू हियर ऑल अबाउट सफरिंग्स ऑफ द पुअर इन हिज ओन स्टेट। वह अपने राज्य के जो दुखी लोग थे उनकी पीड़ाएं, उनके दर्द, उनके कष्टों को अबाबील से सुनते थे। द स्वैरो नोटिस, उसने देखा दैट रिच वर मेकिंग मैरी इन दियर हाउस, जो अमीर व्यक्ति है वो अपने घरों में खुशी से मजे से रह रहे हैं। वाइल द बैगर्स वर सीटिंग एट दियर गेट्स, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, वो अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं। द चिल्ड्रन वर स्टार्विंग, बच्चे भूखे मर रहे हैं। द प्रिंस देन कमांडेड, राजकुमार ने आदेश दिया द बर्ड, पक्षी को, टू टेक ऑफ गोल्ड लीव्स फ्रॉम हिज बॉडी, कि वह उसके शरीर से पूरा सोना उतार ले, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर, और वह उसे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दिस हेल्प मेड द चिल्ड्रन हेल्दी एंड हैप्पी, और इससे बच्चे स्वस्थ और खुश होंगे। बट द प्रिंस स्टैचू लॉस्ट ऑल इट्स ब्यूटी विदाउट गोल्ड एंड ज्वेल्स, लेकिन राजकुमार की जो स्टैचू प्रतिमा थी वह बगैर सोने के, बगैर रत्न के, बगैर मणि के बिल्कुल अब कुरूप हो गई थी, बद्दी हो गई थी। देन द विंटर केम विद ऑल इट्स फ्री, और फिर सर्दी अपनी पूरी तीव्रता के साथ बढ़ी। द लिटिल बर्ड फेल्ट बाय द कोल्ड, पक्षी को काफ़ी ठंड महसूस हुई। ही पिक्ड बिट्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकर्स डोर, वह बेकर, जो बेकरी का जो दरवाज़ा था वहाँ से कुछ ब्रेड उठाकर लाए। ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वॉर्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को कुछ एनर्जी देने की, ऊर्जा देने की कोशिश की। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह अब मरने वाला है, अर्थात उसका अंत होने वाला है। ही फ्लू अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वंस मोर, वह एक बार फिर प्रिंस के कंधे पर बैठे। द प्रिंस अलाउड हिम टू फ्लाई इजिप्ट आफ्टर किसिंग हिम ऑन द लिप्स, राजकुमार ने उन्हें इजिप्ट जाने के लिए, मिस्र जाने के लिए कहा। द बर्ड सेड, और पक्षी ने कहा, दैट ही वॉज लीविंग द हाउस फॉर डेथ, कि वह अब मृत्यु के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। एंड ही फेल डाउन डेड एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में मृत होकर के गिर गया। जस्ट देन प्रिंस लेडन हार्ट क्रैक, और ठीक तभी जो प्रिंस का, जो राजकुमार हैप्पी प्रिंस का हर्ट था, वह क्रैक होकर के, जो धातु का बना हुआ था वो टूटकर नीचे गिर गया। इन टू टू पार्ट्स बिकॉज ऑफ द हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि उस समय घना कोहरा पड़ा हुआ था, घने कोहरे के कारण। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर अलोंग विद हिज काउंसलर्स नोटिस द स्टैचू, अगले दिन, अगली सुबह शहर के जो मेयर थे वो अपने काउंसलर के साथ, उन्होंने स्टैचू को देखा। इट लुक्ड शैबी एंड बेगर लाइक, जो बड़ी भद्दी और भिखारी जैसी दिखाई पड़ रही थी। सो ही ऑर्डर्ड इट टू बी टेकन डाउन, और उन्होंने उसको नीचे उतारने के लिए और भट्टी पर पिघालने के लिए बोला। द ब्रोकन लेड हर्ट, और जो टूटा हुआ जो धातु का दिल था, हावर डिड नॉट मेल्ट, वह बिल्कुल भी नहीं पिघला। सो इट वॉज थ्रोन ऑन द हीप ऑफ डस्ट, और उसको हीप ऑफ डस्ट यानी कि कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। द डेड बर्ड वॉज ऑल्सो लाइंग देयर, और जो मृत पक्षी था जिस स्वेलो, वह भी वहाँ पड़ा हुआ था। इन लास्ट गॉड आस्ट वन ऑफ द एंजल्स टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रियस थिंग फ्रॉम द सिटी, ईश्वर ने, भगवान ने अपने देवदूत को बोला कि वह शहर की सबसे सुंदर वस्तुएं लेकर उनके पास आए। द एंजल कैरीड अवे द ब्रोकन हर्ट, जो देवदूत थे वो ब्रोकन हर्ट, टूटा हुआ दिल, हृदय, एंड द डेड बर्ड, और जो मृत पक्षी था उसको ले गए। गॉड अप्रिशिएट द चॉइस, और भगवान ने उनकी तारीफ की, प्रशंसा की। ही अलाउड द बर्ड टू सिंग फॉर एवर इन द पैराडाइज, और उन्होंने पक्षी को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में गाने के लिए अनुमति दी। एंड द प्रिंस टू प्रेज हिम इन हिज सिटी ऑफ गॉड, और राजकुमार को वहाँ भी, राजकुमार को स्वर्ग में उच्च स्थान मिला, ताकि वह राजकुमार और अबाबील का, दोनों का साथ बना रहे। इस प्रकार बच्चों, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द लेसन द हैप्पी प्रिंस। थैंक्स अ लॉट।